back to the channel. So ये day 3 and this is the second blog. जो Nital's Bane वाला ब्लॉग था वो हम लोगों ने यहीं पे खत्म कर दिया क्योंकि वो काफी lengthy ब्लॉग हो गया था. So right now we are going to Stikkewatten Dam. ये एक डैम है. We are going to explore the dam and then we are get back to the cabin. But right now हम लोग हैं Nital's Bane के यहाँ पे जो parking lot पे. So यहाँ से अपना journey का second step शुरू होता है. So same day but the destination is different. So चलते हैं Stikkewatten Dam को explore करने के लिए, जो कि ठीक यहीं से 24 kilometers है यहाँ से, और इसे cover करने में हमें लगेगा 34 minutes. So weather is pretty good. Temperature is 14 degree outside. So let's enjoy the scenic and I will catch you guys at Stikkewatten Dam. तो ये दिया हुआ है Stikkewatten का डायरेक्शन. सो यहाँ से ले लेंगे हम लेफ्ट. सो ये रोड काफी नैरो है यहाँ पे, तो आपके लिए ऑपोजिट ट्रैफिक के लिए जगह बनाया हुआ है, लेकिन व्यू उतना ही शानदार है. और कंडीशन ऑफ द रोड इज गुड बट द रोड इज नैरो. ओके. और ये बहुत ही शानदार सा व्यू है, इसके तो ऊपर कुछ कह नहीं सकते व्यू का. और ये Nigash Bane से हार्डली 10 मिनट के बाद, 5-10 मिनट ही हम लोगों ने ड्राइव किया है, उसके बाद ही लेफ्ट लेने के लिए दे दिया है Stikkewatten Dam के लिए. सो ज़्यादा दूर नहीं लग रहा. और अभी भी 16 किलोमीटर है फ्रॉम हेयर. जब हम लोग ने Nigash Bane से जब हमने स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम इट वाज 24 किलोमीटर. लुक एट दिस टनल, एक भी लाइट नहीं है, एक भी लाइट नहीं है. जो है इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले हैं और इतने नैरो रोड्स हैं, और अभी हम इंक्लाइन कर रहे हैं, टावर नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है. लुक एट हम, ये पागल नहीं है, और भी पागल लोग हैं. अभी पूरे रास्ते में हम लोग करीबन 20 किलोमीटर तक आए, 19-20 किलोमीटर. हम लोगों को दो बाइकर मिले और ये गाड़ी, ये तीन ही बंदे मिले, और दो जगह पे सिर्फ कोई कैंपिंग कर रहे थे. ये बहुत लोगों को नहीं पता है. और ये जो सामने जो आप देख रहे हो, एक आर्टिफिशियल था पहाड़ के बीच में बना हुआ है, ये गैस पानी की रोकने के लिए बनाया गया है. ये आर्टिफिशियल है, ये बनाया हुआ नहीं है, ये मैन मेड है, ये कोई पहाड़ नहीं है. दो पहाड़ों के बीच में जो गैप था उसको, ये जो ये चीज है, तो पानी रोकने के लिए बनाया गया. ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ, कितना बड़ा बनाया है यहाँ पे. देखो बोलना ना, लोग आते हैं ऊपर जाए के तभी पता लगेगा. कितना बड़ा डैम बना है. अच्छा, फिर उधर से ऊपर जा सकते हो तुम. पार्किंग इधर है, ऊखन तो पार्क कर.
यस। सो होपफुली आप लोगों को ये ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे होंगे। और थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि राइट नाउ हम लोग है ब्रे हाइम्स नेशनल पार्क में। कल से जो हमारी जर्नी शुरू हुई है तब से लेके हम लोग अभी तक हम लोगों ने 3 नेशनल पार्क विजिट किया है। सो फ्राइडे से हम लोग ने जो अपनी जर्नी शुरू की थी उस बीच में हम लोग ने 3 नेशनल पार्क हम लोगों ने विजिट किया है। फर्स्ट था हम लोगों का रोंदाल नेशनल पार्क, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था उसके बाद फिर गए वो रोंदाने नेशनल पार्क पे, नहीं पता वो यूटनहाइमन में वो नहीं दोवरे फील दोवरे हाँ उधर ही इतना याद नहीं है लेकिन बस। और अभी हम लोग जो ग्लेशियर एक्सप्लोर करके आ रहे हैं वो ग्लेशियर था यूस्तेदाल नेशनल पार्क पे। और अभी जो ये डैम हम लोगों ने स्टिग्गे वातन डैम जो हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं ये है ब्रे हाइम्स नेशनल पार्क। सो ये 3 नेशनल पार्क हम लोगों ने विजिट किया है और होपफुली आप लोगों को ड्रोन शॉट सही लगा होगा। दिस इज माय फर्स्ट, मैं अभी भी इतना ज़्यादा प्रो नहीं हूँ ड्रोन के पास, कोशिश कर रहा हूँ और होपफुली आप लोगों को पसंद आए यही उम्मीद करता हूँ। सो यहाँ से अभी निकलने का टाइम आ गया है तो चलते हैं, अभी हम लोग ऑन द वे टू कैबिन जाएंगे। सो इस बीच में अब मैं ब्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि ये सेम रूट है। ये एक है कि हम लोगों ने बहुत कुछ लेकिन सेम ही है, मैंने ड्रोन में शॉट दिखा दिया ड्रोन में पूरा आया। ये है डैम, ये आर्टिफिशियल डैम बनाया गया है, ये एक्चुअली पूरा डैम ये बनाया हुआ है, ये 2 पहाड़ों के बीच में ये आर्टिफिशियल डैम बनाया गया और बहुत ही अच्छी तरह बनाया एकदम। ये ना ऐसे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा फोटो में लेकिन ऐसे ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसे करके फिर यूं ऊपर फिर ऐसे करके एकदम टॉप तक जा सकते हो आप। और यहाँ से भी रोड है जहाँ मेंटेनेंस के लिए जो होते होंगे वो शायद यहाँ से जाते होंगे। चलो गाइज मिलते हैं कैबिन में। सो होप यू गाइज एंजॉइंग द ड्रोन शॉट। यहाँ पे काफ़ी ठंड है और मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ। So stay tuned with us and I will catch you guys at Sandvik camping. Stay tuned. Yes guys, so पहुंच गए हैं हम लोग nearby अपने cabin and अभी time हो रहा है 17:39 और हम पहुंच गए हैं नहीं Sandvik camping गाउपने में कुछ भी, हम गौतने पहुंच गए हैं। यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट, यहाँ से ले लेंगे अपन लेफ्ट और ये आ गया ब्यूटीफुल का एक ब्रिज और जिसके नीचे बह रहा है ग्लेशियर का पानी और लिस्ते वक्त और पहुंच गए हैं। हम लोग जो सीधा रोड है वहाँ से हम लोग कल आए थे हम लोग वहाँ पे और ये लिखा हुआ है गपने गमले शिर क्या है। तो आज है संडे तो आज सब कुछ सिंचल हो रहा है इनको सम्मिलित व्यायाम। सो आ गए हम Sandvik कैंपिंग में। So guys, इस ब्लॉग को यहीं तक रुकते हैं शायद और यहाँ पे भी रुकते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। आई विल अपडेट यू गाइज अकॉर्डिंगली। So stay tuned with us. Stay tuned with us. So अभी हम लोग आए हैं, जस्ट अभी आए थे 6:15 हम लोग आए थे। आते ही हम लोग सबसे पहले प्रिपरेशन ले रहे हैं बारबेक्यू का।
और सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है बॉबी का। हॉट डॉग्स हैं, सो वी हैव सम भुट्टाज यहाँ पे। हॉट डॉग का ये थोड़ा डिफरेंट टेस्ट के हैं हॉट डॉग। और देन वी हैव सम गार्लिक ब्रेड। सो ये है अभी थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट, और उसके बाद जो डिनर होगा वो डिफरेंट होगा। तो अभी चल रहा है स्नैक्स का तैयारी, थोड़ा बहुत स्नैक्स लेंगे सभी, थोड़ा बहुत टायर्ड है सभी। और वहाँ बारबेक्यू रेडी है और यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। सो उसके बाद हम लोग बारबेक्यू खाएंगे अभी बारबेक्यू। So barbecue is going on. So some hot dogs, corns, garlic bread, and the chicken hot dogs. And this is with some spice, maybe chili taste, and these are some the normal. बारबेक्यू हो गया है खत्म, अभी सिर्फ रह गया माइस कॉर्न और हॉट डॉग, ये सारे खत्म हो गए। अभी बच रहे हैं 7 और सो स्नैक्स हो गया है, तो थोड़ी देर रेस्ट लेंगे, उसके बाद वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर डिनर। और डिनर में आज बनेगा इंडियन समथिंग गुड, और बनेगा अंडा करी और राइस। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, उसके बाद आज का दिन होता है खत्म। यस, सो हम नहा धो के रेडी हो गए हैं डिनर के लिए। ये हो गया हमारा डिनर तैयार, जो कि मोती ने बनाया है। इट्स एग करी विद राइस। सो एवरीवन हैव देयर मील। So this vlog ko yahi tak rakhte hain. Like this vlog, so for whatever reason, so like hit the like button, and rest of the drill you know, like, share and subscribe. I will catch you guys in the next one. Till then, this is Raj signing off. Enjoy your life and live your dreams. Bye for now.